मुझे लगता है तर्कसंगत नहीं है। दूसरा कहा गया कि व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करने की जरूरत क्या है। सभापति महोदय, ये आतंकवाद के खिलाफ जो मामले एनआईए रजिस्टर्ड करती है वो बिल्कुल जटिल प्रकार के मामले होते हैं। इनके अंदर साक्ष्य मिलने की संभावनाएं कम होती है, अंतरराज्य मामले होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामले होते हैं। और जब एनआईए के अंदर एनआईए दरखास्त लेकर आती है कानून का उपयोग कर अभी हम संस्थाओं को आतंकवादी संस्था घोषित कर सकते हैं, ये जब करते हैं तो चिदंबरम जी ने कहा कि भाई संस्था तो व्यक्ति से बनती है, जब संस्था को आप आतंकवादी घोषित करते हो तो व्यक्ति को घोषित करने की जरूरत क्या है। मेरा तर्क भी आतंकवादी व्यक्ति को घोषित करने के लिए यही भी है कि संस्था व्यक्ति से बनती है, इसके संविधान से नहीं बनती। एक संस्था पर प्रतिबंध लगाते हैं वो दूसरी संस्था खोल लेते हैं, प्रतिबंध लगाने में उसके इसके लिए प्रूफ इकट्ठा करने में और 2 साल चले जाते हैं, तब तक वो आतंकवाद फैलाते रहते, विचारधारा उनकी फैलाते रहते हैं, घटनाएं करते रहते हैं। मैं भी यही कहता हूं आपके माध्यम से माननीय चिदंबरम साहब को कि घटना व्यक्ति नहीं करता और संस्था नहीं करती, व्यक्ति करता है, मगर कानून की छिद्रों का उपयोग कर व्यक्तियां नाम बदलते रहते हैं जब संस्थाओं के। और कई उदाहरण है मान्यवर ऐसे, अनेक लोगों ने अपने संस्था बंद, जैसे ही प्रतिबंध लगता बंद, नई दुकान खोली, उस पर प्रतिबंध लगाओ, तीसरी दुकान खोली, कब तक प्रतिबंध लगाते जाएंगे? जब तक व्यक्ति को टेररिस्ट घोषित नहीं करते, इनके काम पर, इनके इरादों पर चेक लाना असंभव। और ये कानून आतंकवाद कोई अपने अकेले देश की समस्या नहीं है मान्य, आतंकवाद वैश्विक समस्या है। दुनिया के कई देशों के अंदर आतंकवाद से पीड़ित सबने अपने अपने कानून बनाए, हम तो थोड़ा लेट ही हो गए। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं, यूएसए में व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करते हैं, पाकिस्तान में करते हैं, चीन में करते हैं, इजराइल में करते हैं, यूरोपियन यूनियन में करते हैं, और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन 1267 और 1333 के तहत यूएन भी घोषित करते हैं। और मुझे नहीं मालूम पड़ता कि हमें क्या डर पड़ा है मन के अंदर। और दुरुपयोग की बात कम से कम कांग्रेस के मित्र न करे तो अच्छा है, क्योंकि दुरुपयोग क्या उनका जो इतिहास है, मैं कहने जाऊंगा तो 7 तारीख तक मेरा भाषण चालू रहेगा, मगर दुरुपयोग का इतिहास खत्म है। इनको मैं इमरजेंसी की याद दिलाना नहीं चाहता, क्या किया था इमरजेंसी, देश के सभी अखबारों पर ताले, दूरदर्शन सरकार का सारे गम गाता था, और सारे के सारे नेता जेल के अंदर 19 महीने तक, किसी को कोई लोकतंत्र देश के अंदर रहा नहीं था। और आप हमें दुरुपयोग की बात करें, जरा अपना पास्ट देख लीजिए। और दुरुपयोग क्या क्यों किया था, देश पर खतरा था ना जी, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तत्कालीन प्रधानमंत्री के इलेक्शन को रद्द कर उनको प्रधानमंत्री न रहने के लिए बाध्य किया था, इसलिए दुरुपयोग किया था। और आप हमें दुरुपयोग की बात कर रहे, अभी एक भाषण किया माननीय सदस्य दिग्विजय सिंह ने, मैं उनकी गुस्सा समझ सकता हूं, अभी अभी चुनाव हार कर आए तो स्वाभाविक रूप से गुस्सा पड़ा होगा, यहां निकलना भी चाहिए, ठीक है निकल जाए, मगर सभापति महोदय, मैंने उनको नहीं टोका है, मैंने उनको नहीं टोका है। हाँ तो सभापति के माध्यम से कहा है तो मैं जवाब तो दूंगा ही, आपका लंबा अनुभव है, आपको मालूम है सदन में किस तरह से बात होती है। मैंने आपको सीधा एड्रेस नहीं किया, मैं सभापति महोदय के माध्यम से ही एड्रेस कर रहा हूं, और जवाब तो देना ही पड़ेगा और आपको सुनना भी पड़ेगा। मान्यवर, उन्होंने कहा कि एनआईए के 3 केस के अंदर ही सजा नहीं हुई, क्यों नहीं हुई भला? मैं बताना चाहता हूं सदन को क्यों नहीं हुई, ये तीनों मामलों में पॉलिटिकल वेंडेटा के आधार पर एक धर्म विशेष को आतंकवाद के साथ जोड़ने का प्रयास किया। मैं बताता हूं मान्यवर, मान्यवर ये समझौता एक्सप्रेस, मान्यवर मैंने आगे कहा था यहां पर समझौता एक्सप्रेस,
समझौता एक्सप्रेस में पहले कोई आरोपी पकड़े गए, बाद में अचानक लगा कि चुनाव साथ में आता है, कुछ संस्थाओं पर आरोप लगाना है, एक धर्म विशेष पर आरोप लगाना है, आतंकवाद को एक कलर से पेंट करना है, तो समझौता एक्सप्रेस के पकड़े गए लोगों को छोड़ा और नकली मामला बनाकर समझौता एक्सप्रेस के आरोपियों को पकड़ने का काम किया। मान्यवर ये कह रहे हैं कि क्यों छूट गए, कोर्ट का जजमेंट जरा पढ़ लीजिए, क्यों छूट गए, क्योंकि एनआईए कोई साक्ष्य खड़ा नहीं कर सकी। और आप कहोगे कि हमने सत्ता में आकर करा, मैं ये भी मामला स्पष्ट कर देना चाहता हूं मान्यवर, समझौता एक्सप्रेस का चार्जशीट 2013 में हुआ, 2012 9 अगस्त 2012 में हुआ, पूरक चार्जशीट 12 जून 2013 में हुआ, हमने तो सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स करे, साक्ष्य तो चार्जशीट के अंदर रख दिया आपने, जांच पूरी कर दी और वो जांच के अंदर जज को भी कुछ नहीं मिला, तब जाकर बरी हुए हैं। जवाब तो आपको देना है मान्यवर, उनको देना है जो आरोप आज लगा रहे हैं कि ये आरोपी अगर निर्दोष थे तो बम धमाका करने वाले को क्यों छोड़ दिया गया, किसका गुनाह है, छोड़ने का काम किसने किया, किसने पॉलिटिकल एजेंडा ले गए। इसी तरह से मक्का मस्जिद का भी चार्जशीट हमने नहीं किया सर, चार्जशीट उन्हीं के समय में हुआ है और आर्ग्यूमेंट भी उन्हीं के समय में हुए। मान्यवर आप किसी को भी कोई आरोप करते हैं तब कम से कम इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है अगर सोच लेते तो आज मुझे लगता है कि ये बात उनको कहने का मौका नहीं मिलता। मान्यवर जहां तक व्यक्ति को टेररिस्ट घोषित करने का सवाल है, मैं एक उदाहरण सदन के सामने रखना चाहता हूं जिसे क्यों उपयुक्त है वो सदन के सभी सदस्य अच्छे से समझ जाएंगे। इंडियन मुजाहिदीन का आतंकवादी यासीन भटकल कई मामलों में 2009 से वांटेड था मान्यवर, और उसके बाद कलकत्ता पुलिस ने उसको पकड़ा, इसने अपना फर्जी नाम दिया, चेहरा निशान कुछ था नहीं, और उसको छोड़ दिया, उसकी जामीन हो गई और वो वहां से निकल गया। अगर 2009 में यासीन भटकल को टेररिस्ट घोषित कर दिया होता तो देश के सारे पुलिस स्टेशनों में सारी एजेंसियों में उसका फोटो भी होता, फिंगरप्रिंट्स भी होते और पूरी डिटेल होती, और यासीन भटकल वही कलकत्ता की पुलिस से एनआईए की जद में आ गया हो। मान्यवर ये जो हम घोषणा कर आए इसमें ह्यूमन राइट का भी कुछ लोगों ने सवाल उठाया, कुछ सदस्यों ने सवाल उठाया कि भाई किसी भी व्यक्ति को आप आतंकवादी घोषित कर दोगे बाद में क्या, ऐसा नहीं है। इसके लिए अपील के लिए सरकार की कमेटी बनी है, एक दलील आई सरकार की कमेटी तो आपकी ड्राइंग रूम कमेटी है। मैं बताना चाहता हूं ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार नहीं है, हमारे यहां सरकारी कमेटियां अच्छे तरीके से काम करती है। फिर भी इसके बाद रिव्यू कमेटी, इसमें अपील होती है, इसके चेयरमैन हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज या मुख्य न्यायाधीश होते हैं, और ये रिव्यू कमेटी एक क्वासा जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है, इसके अंदर भी इसके खिलाफ अपील हो सकती है और उसके बाद में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील होती है। तो घोषित कर दिया इसका मतलब ये नहीं है कि अंतिम थप्पा लग गया, किसी के मानव अधिकार का उल्लंघन नहीं होने वाला है। चार स्टेज पर इसकी स्क्रूटिनी का प्रोविजन हम मान्यवर लेकर आए हैं, और इसलिए मैं कहना चाहता हूं इस पर किसी ने शंका रखने की जरूरत नहीं है। मान्यवर सरकारी एजेंसियों को इतनी सारी शक्तियां देना, इसका पॉलिटिकल दुरुपयोग, काफी सदस्यों ने इसकी शंका व्यक्त करी है। इसके अंदर यूपीए में मैं जो संशोधन लेकर आया हूं मान्यवर, उसमें आतंकवादी कब घोषित कर सकते इसकी व्याख्या की है, ऐसा ही नहीं है कि किसी को कर देंगे। मान्य सदस्य दिग्विजय सिंह ने कहा कि मुझे ही घोषित कर देंगे, कहा ही है रिकॉर्ड पर, मैं आपके माध्यम से उनको कहता हूं, मैं आश्वस्त करता हूं अगर कुछ नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। मान्यवर उन्होंने कहा कि सबसे पहले मुझे ही कर देंगे, और उन्होंने कहा आश्वासन देना चाहिए। यू आर स्पीकिंग विदाउट माय परमिशन, इट विल नॉट गो ऑन रिकॉर्ड, प्लीज बैठिए। सुनिए अब सुनने का समय, व्हाट इज दिस, सभापति महोदय उन्होंने तो यू हैव स्पोकन, दे डिड नॉट डिस्टर्ब यू, ना जरा भी नहीं किया सर, जरा भी नहीं किया। दिस इज नॉट द वे, यू आर नॉट सपोज टू रेस्पॉन्ड विदाउट माय परमिशन।
Nobody is supposed to respond. मान्यवर, उन्होंने कहा उस वक्त उपसभापति महोदय चेयर में बैठे थे, उन्होंने कहा कि गृह मंत्री आश्वस्त करे, तो मैंने कर दिया उनको आश्वस्त। इसमें बुरा लगने का कोई कारण नहीं है। आतंकवादी कम घोषित होना चाहिए। आतंकवादी काम करता है या उसको भाग, इसमें आतंकवादी गतिविधियों में भाग लेता है, आतंकवाद के लिए तैयारी करने में मदद करता है, आतंकवाद को अभिवृद्धि कराने में इसकी कार्य योजना बनाते हैं और आतंकवादी संस्थाओं में, घोषित आतंकवादी संस्थाओं में संलिप्त है। मुझे लगता है चार जो बिंदु तय किए गए हैं, इसकी परिधि के अंदर ही एक आतंकवादी घोषित करने की प्रक्रिया होनी चाहिए, होने वाली है, और उसमें मुझे लगता है किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। माननीय सभापति महोदय, और एक सवाल जो आया है कि इस प्रकार के कानूनों का दुरुपयोग होता है, मैं बड़ी विनम्रता के साथ माननीय आपके माध्यम से पूरे सदन को बताना चाहता हूं, मैं तो अमेंडमेंट लेकर आया हूं, ये कानून लेकर मैं नहीं आया। और समय के साथ साथ आतंकवादी संस्थाएं जितनी आगे बढ़ी है, वो दो कदम आगे बढ़ती है, तो हमारी एजेंसियों ने माननीय चार कदम आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी आतंकवाद रुकेगा। हमारी एजेंसियों को हमने मजबूत करना पड़ेगा। ये कानून मैं लेकर नहीं आया, कानून 1967 में आया माननीय, किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। 2004 में पहला अमेंडमेंट आया, किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। 2008 में दूसरा अमेंडमेंट आया, किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। 2013 में तीसरा अमेंडमेंट आया, किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। और उस वक्त ये सारे लोग यहां बैठते थे, सारे लोग ट्रेजरी बेंच पर थे, लंबे लंबे भाषण है, एक एक घंटे के भाषण है, 40-40 पृष्ठ के भाषण है इसके पक्ष में। वहां जाते ही नजारा भी बदल गया, नजर भी बदल गई, भाषण भी बदल गए। ऐसा कैसे चलता है माननीय? हमने तो 2004 में भी समर्थन किया था, 8 में भी किया था, 13 में भी किया था, और आज लेकर आतंकवाद के खिलाफ जो कठोर कानून लाते हैं, जो भी सरकार लाती है माननीय, इसका सबने स्वागत करना चाहिए, सबने समर्थन करना चाहिए, क्योंकि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, किसी के साथ वो नहीं होते, वो खिलाफ होते हैं तो इंसानियत के खिलाफ होते, किसी व्यक्ति या सरकार के खिलाफ नहीं होते। आतंकवाद इंसानियत के खिलाफ होते, आतंकवादी इंसानियत के खिलाफ होते।